नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड से जुड़ी हुई ना बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अपडेट आते ही देखिए, इसमें ना 1% का शानदार रैली देखने को मिल रही है। अपडेट क्या है ना, सुबह में ना 25 तारीख, आज 25 तारीख डेट है, और सुबह ही सुबह आया है कि इन्होंने एक कंपनी ना एक्वायर की है, जिस कंपनी का नाम है प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी करती क्या है, कहाँ की, ये पूरा हम अभी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है। तो इनका कहना है कि माइंडफुल आईटी कंपनी टुडे अनाउंस डेफिनेटिव एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% स्टेक। इन्होंने पूरा 100% स्टेक खरीद लिया है किसका, प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बराबर। और इसमें जो है ना टोटल परचेस कंडीशन का कंसिडरेशन जो है ना इंडियन करेंसी की बात किया जाए तो 779 करोड़ में किया गया है, और अभी तक ना 635 करोड़ एक तरह से दे दिया गया है, और 144 करोड़ जो है ना ये FY25 तक, मतलब इस साल के एंडिंग तक ना ये कर देंगे। और इसका क्या कहना है कि इनका जो है इससे ना परफॉर्मेंस रहेगा, टारगेट जो है ना अचीव करने में एक अच्छा देखने को मिलेगा। और ये प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नोएडा में है, और ये फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस है, सोल्यूशन प्रोवाइडर टू डीप डोमेन एक्सपर्टीज है, डोमेन के क्षेत्र में जो एक तरह से इनका ना बहुत ही बड़ा एक्सपर्टीज है, तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा देखने को मिल सकती है। और इनका देखो ना सेगमेंट काम करने का, तो ये काम कहाँ कहाँ करते थे, इंक्लूड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस बराबर, और ये हेल्थ केयर में, लाइफ इंश्योरेंस में, तो ये हर जगह पे एक तरह से अपना पैर फैला कर रखे हुए हैं। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, और इन्होंने खरीद लिया है 100% स्टेक का, जिस वजह से ना इसमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अभी हम टेक्निकल्स को लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो एक तरह से ना लोअर लो पैटर्न बना रहा था, मगर लोअर लो पैटर्न जो है ना ये कट कर दिया है, जैसे यहाँ से आप देखो ना तो एक तरह से एक कट कर दिया यहाँ पर, अभी यहाँ से ना मूवमेंट चेंज हो रही है, तो मूवमेंट के चेंज हो रही है। दूसरा क्या, एक कंपनी भी खरीद लिया, एक लास्ट जो होल्डिंग है बराबर ना, जो रेजिस्टेंस एरिया पड़ रहा है हडल वाला, वो है 836 का, एक बार ये ब्रेकआउट कर ले तो फिर वहाँ मैंने एक मूवमेंट अच्छा खासा दे देगा। तो पहला टारगेट रहेगा था 880 रुपये तक का, दूसरा टारगेट जो रहेगा इस कैंडल का हाई 958 तक का देखने को मिल सकता है। आप देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखो कितना मस्त मस्त एक तरह से चार्ट बना कर रखा है, जैसे यही एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जो है ना न्यूज़ भी बहुत ही अच्छा है, बस हल्का सा ना निफ्टी का प्रेशर है इसलिए थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, मगर ये एक बार 836 का जैसे क्रॉस करता है ना तो फिर हमें 875 सीधा इस कैंडल का देखने को मिलेगा। दूसरा फिर हमें ये दो दो कैंडल बने हुए हैं बराबर ना, ये बहुत ही अच्छा अच्छा एक चार्ट स्ट्रक्चर्स है, तो 957 तक का भी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया जो रहेगा ना इस कैंडल के लो तक का देखने को मिल सकता है, वो है 809, मतलब 800 रुपये तक का सपोर्ट एरिया मिल सकते हो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर बात तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।